कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें, रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। राम जन्मभूमि क्षेत्र के महासचिव चंपत राय जी ने अमर उजाला को साक्षात्कार देते हुए ये कहा है कि राम मंदिर रामानंद संप्रदाय का है, शैव शाक्त और सन्यासियों का नहीं है। अब देखिए बात यह है, ये कब कहा उन्होंने? कल वक्तव्य आ गया। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया, उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था, उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू अवतान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी, उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया, उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य चार शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहां पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहां नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहां पर वो राजा साहब क्यों है? फिर वहां पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहां पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें, रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहां प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्याग पत्र दें, रामानंद संप्रदाय के जो साधु महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें। हम स्वागत करेंगे चंपत राय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें दिक्कत इस बात की है कि साधु संतों को हटा करके ये कार्यकर्ता लोग वहां पर बैठे हैं और साधु संतों में भेद डालने की बात कर रहे हैं। जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते? उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय यह स्पष्टता क्यों नहीं की आपने? पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे
और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता है, बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए, हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। कहां गई हृदय की विशालता? क्या राम जी के इस मंदिर में, जिसके लिए 500 सालों तक सबने संघर्ष किया है, जिसके लिए शंकराचार्य जी ने पैरोकारी की है, आप तो आए नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए, और अब आप वहां पर बैठ करके इस तरह से भेदभाव, सनातन धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर भेदभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है। ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है, ये मंदिर समस्त हिंदुओं का है, और अगर नहीं है, आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्यागपत्र दें आपके सहित, और रामानंद संप्रदाय के जो आचार्य हों और उनके जो साधु संत हों, विशेष करके निर्मोही अखाड़ा ही वहाँ पर पहले पूजा करता रहा है, तो उसको पूजा का अधिकार दीजिए। आप अलग से पुजारी क्यों भर्ती कर रहे हैं फिर? निर्मोही अखाड़ा सैकड़ों वर्षों से वहाँ पूजा करता रहा, आपने उसको हटा दिया है, और हटा करके आप नए पुजारी ट्रेनिंग करवा करके उनकी भर्ती कर रहे हैं, और कहते हैं कि ब्राह्मण नहीं होगा तो क्षत्रिय नहीं होगा तो शूद्र नहीं होगा। आप निर्मोही अखाड़े को पूजा सौंपिए, व्यवस्था रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, हमको स्वीकार है। चारों शंकराचार्यों को हम समझते हैं, हमारा अनुमान है कि उनको प्रसन्नता होगी, लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए। चंपत राय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं, बहुत छोटा मत बनिए। नारायण।